वेलकम टू माई व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने लगा हूँ, मैं आपको लेके जाने लगा हूँ चाटुचाट वीकेंड मार्केट में। मेट्रो के ज़रिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं टैक्सी कर सकूँ। मजाक कर रहा हूँ लेकिन सच में टैक्सी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है और मेट्रो यहाँ पर बहुत सस्ती, इतनी भी नहीं। तो MRT से मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जाने लगा हूँ जी चाटुचाट वीकेंड मार्केट में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेट्रो के अंदर जाता हूँ क्योंकि ट्रेन आ गई और ये एक मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती, क्योंकि मेरे बाप की जागीर नहीं है कि ये मेरा इंतज़ार करे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले गेट से आउट होता हूँ और जाता हूँ उस मार्केट की तरफ। अच्छा, मैं इसका थोड़ा बताता जाता हूँ कि ये बहुत ही फेमस मार्केट है थाईलैंड में और पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे 15,000 स्टॉल होते हैं। जैसे कि दिख रहा है कि मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ क्योंकि अभी इन्होंने बाहर सेटअप कुछ ऐसा बना रखा है, कोरोना चल रहा है तो सबकी हिफाजत के लिए। तो हाँ, मैं बता ही रहा था कि इधर 15,000 स्टॉल हैं और 11,000 वेंडर, 15,000 ठेले लगे हुए यानी कि इसके अंदर। और इसका जो ओपनिंग टाइम है वो है तकरीबन फ्राइडे नाइट को, ये ना 6 PM से खुलती है मिडनाइट तक। अब मिडनाइट क्योंकि इनकी 3 से 4 बजे तक होती है, उसके बाद दूसरे दिन ये 9 PM से लेके 6 PM तक, फिर सैटरडे और संडे को भी इस तरीके से होता है। तो यानी कि 3 दिन के लिए लगती है और ये दुनिया की सच में लार्जेस्ट है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सस्ती भी हैं, जैसे 100-200 के ये कपड़े आपको दिख रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना थोड़ा यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लेने देता हूँ क्योंकि मैं अभी तकरीबन 11 या 12 बज रहे हैं तो सब लोग आ गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आप खूबसूरती का मज़ा उठाएं। उसके अलावा लेडीज़ को जो ये चीज़ें पसंद हैं तो उनकी तो यहाँ पे जन्नत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और उसके अलावा ये देखें ना 100-100 रुपये की, यार मतलब इस तरह के हमारे पास कहाँ मिलते हैं, शॉर्ट 100 रुपये, पाकिस्तानी 500 रुपये। उसके अलावा और भी काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, यानी कि 100-100 की चेन, लेकिन ये वो वाली चेन है जो हुसैना गए या लालू खेत इस तरह की मार्केट की नहीं है, ये वो वाली हैं जो कि आपके मतलब फेड नहीं होने वाली ना, कलर इनका फेड नहीं होगा, एज अ टेस्ट रहेंगे। उसके अलावा काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ जूसेस दिख रही हैं और जो कपड़े हैं यानी कि जो मॉडल लुक जो आप देखते होते हैं, अगर आप वैसे पाकिस्तान से किसी अच्छी आउटलेट से लें तो तकरीबन 30,000 से 40,000 का बना दे, और यहाँ पे आपको वो लेडीज़ सूट की बात कर रहा हूँ ना, वो 200 से 300, क्योंकि मर्द हजरात चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो 30-40 हज़ार के कपड़े ना मैंने कभी पहने ना उन्होंने पहने। तो जीन्स देख लिया आपने 50, मैं थोड़ी सी शोखी भी मार देता हूँ चल के, मोटा तो हो गया हूँ। अच्छा हाँ, इनकी मैं बात कर रहा था, ये जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ना, तो 120 रुपये का, यार मतलब 800, लड़कियों कहाँ हो, थाईलैंड का रुख करो। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे इस तरह के कपड़े भी हैं जो आपको पसंद आएंगे, और ना सिर्फ ये, यहाँ का फूड भी आपको पसंद आएगा। लेकिन फ़ूड के लिए मैं आपको टिप बता देता हूँ कि आपने हलाल टैग लाजमी देखना है, क्योंकि ये पोर्क वगैरह खाते हैं तो ये आपको खिला देंगे आप अपने मज़हब से बाहर। अच्छा, 200-200 की सेल लगी हुई है, दिख रहा है आपको, यहाँ से मैंने काफ़ी सारी शर्टें जो मेरे अरीब करीब के गरीब दोस्त हैं उनके लिए मैंने शर्टें ख़रीदनी है तो मैं वापसी में ख़रीदता हूँ, और 20-20 रुपये के गुलदस्ते जो मेरी अम्मी को काफ़ी पसंद है तो ये भी मैं वापसी में आके ख़रीदता हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले वीडियो पर फोकस रखना है, नादिर ने रुकना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, उसकी शर्ट मैंने देखी थी तो अभी मैं दोबारा से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, वो ब्रांड मुझे दिखे दोबारा से तो मैं आपको दिखाऊं। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और चल लेता हूँ। यार ये बहुत बड़ी है, ये जी ये रही वो ब्रांड की शर्ट, लड़कों ने पहचान लिया होगा, लड़कियाँ भी आजकल की तेज़ हैं। तो उसके अलावा क्या करता हूँ, यहाँ पे टैटू वाले बैठे हुए हैं, अगर आपने टैटू बनवाने हैं, परमानेंट टैटू की बात कर रहा हूँ, ये मेहंदी वाले टैटू नहीं कि आपने एक दिन बनाए उसके बाद आपने हाथ पाँव धोए और उसके बाद चले गए, या जो हमारे छोटे छोटे मॉलों में लगाए बैठे होते हैं स्टिकर, ये वो वाले टैटू नहीं है, ये परमानेंट है। उसके अलावा अमेरिका का लंडा, इसी ने लंडे में अच्छी चीज़ की हुई है कि अमेरिका का झंडा लगाया हुआ कि लंडा अमेरिका से ही आया है। अच्छा, मुझे काफ़ी प्यास लग गई तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना कोकोनट का ना पी लेता हूँ जूस ना, 40 रुपये का पाकिस्तानी, 160 रुपये का, लेकिन यार ये तकरीबन 3 पाव तक होता है, दिल खुश कर देता है, यानी कि आप मतलब एंड हो गया जी, आप कहोगे एंड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लड़कियाँ लड़के आते हुए खूबसूरती दिखाता हूँ, क्योंकि थाईलैंड आप आते ही इसलिए, और यार ये कितनी खूबसूरत है यार, मतलब लव्स नहीं है। जल्दी जल्दी अच्छा मैं भागते भागते दिखाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी, अभी भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा हाफ तक कवर करूँ क्योंकि बहुत बड़ी है यार सच में। मुझे लगा था इन्होंने वैसे ही 15,000 स्टॉल का कहा हुआ है और ऐसा वैसा कुछ होना था है नहीं, तो लेकिन ये सच में बहुत बड़ी है यार। उसके अलावा मतलब ये देखें ना, मुझे चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ने वाले हैं, इतना मैंने चल लिया है। उसके अलावा इनकी गलियाँ, अच्छा
बाहर तो बाहर जब गलियों में जाएंगे, गलियों में और ऐसे वन को वन का ना आइटम पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा ना मतलब 18 प्लस आइटम है ये, मतलब वो वाले आइटम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप मेरे से भी आगे हैं, ये हैं तकरीबन साबुन तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप कौन सा सोप आज इस्तेमाल करेंगे, तो ये साबुन है थोड़ा हैंकी पैंकी 50 रुपये का आइटम है, यहाँ से ले जाएं अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा फ़न ले जाएं, और वो ब्रांडेड शर्ट जो मैंने बताई थी पॉन्ट्रॉप की, तो वो पॉन्ट्रॉप की शर्टें भी अच्छी। यहाँ पे जो दूसरा गेट है, इसके दूसरे गेट की तरफ आपको, अब आप दूसरा गेट जब आओगे आप ढूंढ लेना, तो वहाँ पे फूड मिल रहा है 20-20-30-30 रुपये का, लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कोशिश करें यार, यहाँ पे फूड को तो इंजॉय करें लेकिन हलाल टैग को लास्ट में देखें, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूँ अपनी वीडियो में कि ये, क्योंकि पोर्क खाते हैं तो मतलब खाते हैं, अब क्या करें, खंजीर तो आप तो नहीं खाते, तो आप क्या करें, आप अपने आप को बचाएं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जो कि मेरा काम है इस तरह की भीख मांगना आपसे, और आपका काम है मुझे देना, क्योंकि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना तो ये वीडियो बनी ही क्यों थी यार, ये वीडियो का मकसद ही क्या था मुझे बताएं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।